हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज स्पायरोमेट्री के बारे में बताएंगे। स्पायरोमेट्री एक इन्वेस्टिगेशंस है, एक टेस्ट होता है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए स्पेशली दिए जाते हैं। तो आज इस स्पायरोमेट्री के बारे में बताएंगे, ये क्या होता है, किस तरीके से होता है और किन डिसीज़ में ये टेस्ट होते हैं। स्पायरोमेट्री मीन्स होता है मोस्ट कॉमन ऑफ द पल्मोनरी टेस्ट। इट मेजरमेंट लंग्स फंक्शन, स्पेसिफिकली द अमाउंट एंड स्पीड ऑफ द एयर दैट कैन बी इनहेलर एंड एक्सहेलर। स्पायरोमेट्री इज हेल्पफुल इज लाइक अ डिजीज सच एज अस्थमा, पल्मोनरी फिब्रोसिस, सिस्टेटिक फिब्रोसिस एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये डिजीज में स्पायरोमेट्री टेस्ट किए जाते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होता है, स्पेशली लंग्स के लिए किए जाते हैं। इनके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, पहले हम आपको बता दें FVE क्या होता है। FVE का मीन्स होता है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, FVC। FVC एंड FEV1 का नॉर्मल वैल्यूज़ होती है इक्वली टू द ग्रेटर देन 80% टू 120% एंड FEV1 बाई FVC इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 70%। ये इनकी नॉर्मल वैल्यूज होती है। जो एबनॉर्मल वैल्यूज होती है वो लेस देन 60% एंड लेस देन 50%। फीमेल और मेल्स अगर ये 60% या 50% से कम होते हैं तो ये कंप्लेंस दिखती हैं और ये टेस्ट कराए जाते हैं क्योंकि हॉरिबल्स होती हैं और पेनफुल होती हैं। अगर कम है तो दैट मीन्स आपको ये सारी कंडीशंस जो डिसीजेज हमने बताए हैं ये डिसीज होने के चांसेस होते हैं। स्टार्टिंग में डॉक्टर्स ऐसे सजेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो इसलिए स्पायरोमेट्री क्या है और ये किस डिसीज के लिए कराए जाते हैं ये टेस्ट, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको स्पायरोमेट्री के बारे में बताया और ये डिसीज और नॉर्मल वैल्यूज बताए हैं। अगर आपको अदर स्पायरोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।